अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाओं के साथ आज के व्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, काफ़ी सारे जो हैं वो सिटीज़ में बारिश चल रही है, हो रही है। बारिश का बड़ा प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ बारिश हो रही है। तो हमारे यहाँ हैदराबाद में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और ये तकरीबन कल रात से स्टार्ट हुई है और आज दिन में भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, सुबह भी काफ़ी हुई है और अभी रात का टाइम है, अभी भी काफ़ी हो रही है। और अभी थोड़ी देर रुकी है तो लाइट वगैरह आई है, वरना जो है वो बारिश की वजह से, आपको पता है बारिश बाद में होती है और यहाँ पाकिस्तान में लाइट पहले चली जाती है और जब लाइट नहीं आती तो फिर पानी भी नहीं आता, तो ये सारे मसले मसाइल हो जाते हैं बारिश के होने से, जो कि हमें फ़ेस करने पड़ते हैं हमेशा और आज तक कर रहे हैं। पता नहीं इन सब चीज़ों से कब छुटकारा मिलेगा। और बारिश की वजह से बहुत सारे टिड्डे भी आ चुके हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ बैठा हुआ भी नज़र आ रहा होगा और अभी मैं आपको ऊपर की तरफ भी एक बैठा हुआ है वो भी दिखा दूँगी। लेकिन ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा हब्स था, गर्मी थी, वो जो है वो टूटा है बारिश के बाद और थोड़ी सी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और बारिश भी बड़ी जम की हुई है, बहुत अच्छी वाली। लेकिन हमेशा की तरह मेरा जितना बारिश में नहाने का दिल चाहता है उतना ही मैं नहीं नहा सकती बिकॉज़ ऑफ फ्लैट, क्योंकि फ़्लैट में है हमारा घर तो छत वगैरह तो है नहीं, और मतलब छत तो है लेकिन वहाँ जाना अलाउ नहीं, और काफ़ी ऊपर है छत क्योंकि छत की दीवारें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी बारिश होती है तो मैं तो नहाने से रह ही जाती हूँ, मुझे वरना बारिश में नहाना बहुत पसंद है। पहले के वक्त में जब हम अपनी नानी के यहाँ होते थे तो वहाँ पे अगर बारिश इत्तेफाक से कभी हो जाती थी तो वहाँ छत थी, तो हम आराम से जो है वहाँ जाके सारे कज़न एंजॉय करते थे, नहाते थे। लेकिन अब ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया, पर होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसा कर ज़रूर देगा ज़मीन का जिसके अंदर हमारी अपनी छत होगी और फिर हम बारिश में खूब इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। और पीछे से ठक ठक टुक टुक की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर देट, वो ऊपर किसी का कोई काम चल रहा होगा तो इस वजह से, और मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन वो ना काम रोक रहे हैं और मुझे वॉइस ओवर कम्प्लीट करनी है। तो बारिश के अंदर सबसे ज़्यादा दिल चाहता है पकौड़े वगैरह खाने का, तो मेरी बहन ने जो है वो पकौड़े बना लिए हैं और हम सब लोग अभी बैठ गए हैं पकौड़े खाने। और ये अम्मी कोफ्ते बना रही थी, उसी के कीमे की अम्मी ने छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली थी जो कि आप ही ने फ्राई कर ली हैं, तो यहाँ पे ये बॉल्स हो गई और ये आलू के पकौड़े हैं और ये सन्ने के पकौड़े, प्याज वाले पकौड़े हैं। तो बस हमने ये जो है वो इन्जॉय किए और उसके बाद आप लोगों को जैसे कि हमेशा पता है कि घर में जो है वो मेरी ड्यूटी क्या है, सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी मैं इस घर में निभाती हूँ और करती हूँ, वैसे तो बहुत सारे काम करती हूँ लेकिन जो मेन चीज़ है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पकौड़े चल रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, हमारे घर में यूपीएस वगैरह लगा हुआ है तो लाइट चले जाती है तो इतना इशू नहीं होता कि लाइट बिल्कुल ही बंद हो जाए, यूपीएस से चला गुजारा कर लेते हैं, वो बंद होता है तो फिर जनरेटर भी है, जनरेटर से गुजारा कर लेते हैं। तो जी हाँ, वो जो ड्यूटी की बात मैं कर रही थी वो है ये चाय बनाने की। तो अम्मी ने कहा कि पकौड़े तो बन गए अब तुम चाय बना लो, तो बस मैं फिर चाय बनाने आ गई अम्मी की फरमाइश पर। और ये जो आप लोग शक्कर के अंदर लौंग डली हुई देखते हैं, ये इसलिए हम लोग डालते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो अगर आप अपनी शक्कर में थोड़े से 7-8 दाने लौंग के डाल लेंगे तो चींटियाँ जो है वो इस शक्कर के अंदर आएंगी नहीं, होंगी नहीं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ बीच में भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही थी, खुद ही कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती थी पूरा का पूरा ग्रुप, और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ों में बड़ा मसला होता था, साफ़ सफाई ये वो। फिर ये है कि ये चीनी में डाल लेते हैं तो इसकी तरफ तो वो देखती भी नहीं है, तो बस यहाँ मैंने शक्कर डाली, पानी डाली। मेरा थोड़ा अलग स्टाइल है चाय बनाने का, मैं वो काली वाली पहले चाय बना के और ऊपर से दूध बना के फिर नहीं, मतलब दूध बॉयल करके फिर नहीं डालती। मेरा ये है कि सब कुछ एक साथ डालो और चाय को अच्छे से खूब खूब पकाओ। और बस ये फ्रिज से मैंने निकाल लिया है दूध ऑलपर्स का, और क्योंकि हम लोग यही यूज़ करते हैं, और उसके बाद जस्ट ये डालूँगी, पानी और चीनी डाल दी है। उसके बाद जो कि मेरा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि मैंने बहुत पहले, मतलब कुछ वीडियोस में पहले आपसे शेयर किया था कि मैं चाय के अंदर इलायची ज़रूर डालती हूँ, तो बस अभी सामने कैबिनेट में से मैं इलायची निकालूंगी, ऊपर रखी हुई है और ये मैंने निकाल ली, बस ये डालूंगी और उसके बाद जो है वो पत्ती डालेंगे और हमारी चाय बनती रहेगी। तो आप लोग बताइएगा जो जो मेरा वीडियो देख रहा है कि आप लोगों के वहाँ पर जो है वो बारिश हो रही है या नहीं हो रही, और आप कौन सी सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं ये भी नीचे कमेंट कीजिएगा, जो हैदराबाद से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा और जो हैदराबाद के बाहर से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई अलग कंट्री से देख रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की कंट्री में, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, वहाँ का वेदर कैसा है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जिन जिन के घरों में, जिन जिन के सिटीज़ में बारिश हो रही है वो ये ज़रूर बताइएगा कि वो बारिश में क्या क्या पका रहे हैं और खा रहे हैं और मज़े कर रहे हैं।
बारिश बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़ा भी आता है उसमें। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सबसे पहला लाइट चली जाना, फिर लाइट की वजह से पानी ना आना, तो इसकी वजह से जो इंसान परेशान हो जाता है और बारिश जैसी रहमत को भी जहमत समझने लगता है या वो जहमत बन जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हमें मिल रही होती जो कि ज़रूरी हैं, तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। लेकिन ये है कि बस क्या कर सकते हैं, अब गुजारा करना है यहाँ पर, तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। और अब तो आदत हो गई है शुरू से यही सब कुछ देखते हुए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि बारिश में भी जो है वो हमें ये सारी चीज़ें जो है वो जो नेसेसिटी है सारी वो हमें मिलती रहे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया लेकिन अब प्लीज़ कर लें। और यहाँ पर मैं देख रही थी अपनी आँच भी, तो वो कैमरा उस तरफ हो गया था और ये रही मैं और बस छाएँ बन रही है। वजह से दुआ कीजिएगा कि हमारा जो है वो लाइट तो हमारी आ गई है, बस पानी भी आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है वो कल हमारे यहाँ बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन आने वाला है। और फिर आगे आपके साथ जो है वो मुहर्रम के ही और मुहर्रम से ही रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉग शेयर करूँगी। और अगर आपको पीछे ढोल वगैरह बजने की आवाज़ आ रही हो, तो नीचे जो है वो हमारे यहाँ पे पेड़ आया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा शोर हो रहा है और मैं इस कमरे में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वो इसलिए शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए प्लीज़ माजरत इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मेरी चाय मज़े से पक रही है, अभी मैं इसे निकाल लूँगी। और उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था और सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ दिन चलेगी बारिश, लेकिन मेरी बस यही है कि बस बारिश भले हो लेकिन हमारा पानी आ जाए, क्योंकि पानी के बिना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। हर चीज़ के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, खाना बनाना, बर्तन धोने और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहाना धोना हर चीज़ के लिए। तो बस इस वजह से जो है वो पानी का ही थोड़ा बहुत टेंशन है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है। और बाकी ये है कि बारिश हो और सबके लिए रहमत बनकर ही हो, किसी के लिए भी कोई नुकसान कोई जहमत का ज़रिया ना बने, और बस ये अपना टाइम पूरा करके जल्दी चली जाए। और यहाँ पे सबकी चाय बन चुकी है, अब अंदर ले जाऊँगी मैं चाय। और उसके बाद मैंने क्या किया था, जो भी किया था वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट करने में भी कंजूसी, सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी, थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें। किसी को आज आप सपोर्ट करेंगे तो कल को आपके लिए अल्लाह ताला बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम पैदा कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें वीडियोज़ देखते हैं तो, और लाइक कर लिया करें वीडियो को, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और यहाँ पर मैं और मेरी अम्मी जो है वो पूरे कमरे की चादरें चेंज कर चुके हैं, पहले ग्रे कलर की हमारे यहाँ बिछी हुई थी, तो फिर आज कल मेहमान आने वाले हैं, तो बस इसलिए आज जो है हमने झाड़ू फाड़ू पूरे कमरे के अच्छे से दिलवा कर पोछा लगवा कर अपनी जो भी हमारी आंटी आती हैं उनसे, और उसके बाद जो है हमने ये सारी चादरें चेंज कर दी हैं, सारे कुशन कवर और तकिए के कवर सब कुछ चेंज हो चुका है और ये ऊपर नीचे का सारा सेम हो गया है। ये वाला प्रिंट मेरी पसंद का था, हम लोग लेकर आए थे, तो फिर हमने नीचे का और ऊपर बेड का सबका सेम ही बनवाया था। तो अभी ये कमरा माशाल्लाह सेट हो गया, टिप टॉप हो गया है। और इस काम के बाद जो है वो मैंने जो है वो रात के तकरीबन 10:30 बज रहे थे, फिर खाना खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने जो है वो खाना खा लिया था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ था कि कहीं से बीफ बिरयानी आ गई थी, जो कि आपको सामने नज़र आ रही होगी, और आपको पता है कि मैं बीफ नहीं खाती, तो मैंने सिर्फ चावल ले लिए थे थोड़े से, और ये घर में आलू बने थे आज फ्राई आलू स्पाइसी वाले जो होते हैं ना, और रोटी, तो बस मैंने ये रात का मेरा खाना था मैंने ये खा लिया था। और उसके बाद जो है वो मैं हम लोग जो है वो थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा था, मोबाइल देखा था, ऑफिस सो गए थे। तो बस यही मेरा आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर सब जगह शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। प्लीज़ 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 आपके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं, एक जगह पे सब्सक्राइबर स्टॉप हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी अप्रिसिएशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका बहुत बहुत थैंक्स और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।